बीजेपी की आज ताबड़तोड़ सभाएं हैं। पलामू के लेस्लीगंज में हिमंता बिस्वा सरमा ने हुंकार भरी है। बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वोट की इन्होंने अपील की है। हिमंता बिस्वा सरमा ने हेमंत सरकार पर भी वार किया है। प्रदेश को बीजेपी की जरूरत उन्होंने बताई है। संथाल में बदलती डेमोग्राफी पर चिंता उन्होंने जाहिर की है। सनातन संस्कृति को बचाने की अपील और एक बात का जिक्र उन्होंने और भी कहा है और कहा है कि एक रहेंगे तो हम सभी सेफ रहेंगे। हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। बीजेपी सरकार बनते ही युवाओं से किया वादा पूरा होगा। बीजेपी सरकार बनते ही हर वादे पूरे होंगे। 2,87,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। हेमंत सरकार ने युवाओं को ठगा है। मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये बातें हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से कही गई है। संथाल परगना में, पालामू में, हर जगह में मुसलमान का आबादी बढ़ा है, हिंदू का आबादी कम हुए है। हमारा आपत्ति नहीं है अगर मुसलमान लोगों का जनसंख्या जन्म का कारण बढ़े है, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में केंद्र का सरकार ने ये हलफनामा दे के बताया है कि ये जनसंख्या का जो बढ़ोतरी हुआ है ये घुसपैठियों का कारण ये जनसंख्या बढ़ा है। बांग्लादेश से निरंतर घुसपैठिया झारखंड से आ रहा है, लेकिन हमारा जो सरकार है हेमंत सोरेन का सरकार है वो घुसपैठियों का खिलाफ कुछ भी काम नहीं करते हैं। इसलिए वो लोग समझता है घुसपैठी हमारे वोट बैंक है। अगर ऐसा ही झारखंड चलते रहे और 20 साल के बाद झारखंड का हिंदू आबादी कम होते 50% से भी नीचे हो जाएगा और घुसपैठियों का आबादी भी लगभग इतना ही होगा। आज हमारा ये जो चुनाव है ये चुनाव हमारा अस्मिता का लड़ाई है। हमारा ये वादा है हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, कानून का रास्ता अपना के हम झारखंड में जितना घुसपैठी घुसा है सबको लात मार मार के हम झारखंड से बाहर निकालेगा। यही हमारा संकल्प है। तो आपने देखा आज बीजेपी की ताबड़तोड़ सभाएं हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या हेमंता बिस्वा सरमा की या इनके प्रत्याशियों के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की सभा में गरजते नजर आए हैं। कई विषयों को इन्होंने सामने रखा है। बातचीत कर लेते हैं अधिक जानकारी के साथ। राजधानी रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। रुचि, देखिए चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहस अब कुछ दिन बचे हैं जब पहले चरण के लिए मतदान होगा। ऐसे में ताबड़तोड़ सभाएं बीजेपी की तरफ से आज देखिए, पलामू की बात कर लीजिए, मरेका की बात कर लीजिए, बागमारा की बात कर लीजिए, एक के बाद एक ये सभाएं आयोजित हुई और बीजेपी के शीर्ष और दिग्गज नेता यहां पर प्रचार प्रसार तो करते नजर ही आए, साथ ही साथ अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी। इन सबके बीच एक चीजें और कॉमन रही इन तमाम चीजों में कि सरकार की नाकामियों को बताया गया, यानी कि सत्ता में जो अभी सरकार है इनकी नाकामियों को जरूर इन्होंने उजागर किया है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो अपने मैनिफेस्टो में लगातार जिन बातों का जिक्र कर रही है इन बातों को, वादों को पूरा करने का भी बात लगातार इन सभाओं में। अब बिल्कुल सुष्मिता, देखिए धुआंधार प्रचार प्रसार बीजेपी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है लगातार, जो दिग्गज हैं। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की बात की जाए, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान और कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं रविंद्र राय, उनकी भी सभा थी। वही बाबूलाल मरांडी भी आज चुनावी सभा कर रहे थे। तो लगातार जो दिग्गज नेता है वो चुनावी सभा करते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसे में कैसे सत्ता में वापसी हो सके, कैसे डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके, इसके लिए जो ये सारी कवायद है वो है। और देखिए बीजेपी नेताओं का कहना भी है कि ये चुनाव चुनाव जीतने के लिए नहीं है, ये अस्मिता की लड़ाई है, झारखंड की अस्मिता को बचाना है। और कई ऐसे मुद्दे हैं सुष्मिता, चाहे वो युवाओं की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की महिला सुरक्षा की बात हो, तो कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी चुनावी मैदान में है। और ऐसे में देखिए
आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन झारखंड में होने वाला है, यानी कि आज वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल जो मैनिफेस्टो के जो बिंदु हैं वो भी जारी होंगे। हालांकि बीजेपी ने पंच प्रण पहले ही, पांच बिंदुओं की घोषणा पहले ही कर दी थी, बाकी बचे हुए बिंदु जो है वो कल जारी हो जाएंगे। तो ऐसे में कल का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। हर एक दिन कल केंद्रीय गृह मंत्री का तीन चुनावी सभाएं होंगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होगी। बिल्कुल रुचि, और इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक साझा करना चाहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ रुचि, जो जानकारी हमारी संवाददाता रुचि भी हमारे दर्शकों तक साझा कर रही थी, एक बार वापस से ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बताते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।